नहीं। ठीक है, जब पी बी डैश बराबर पी ए डैश है आपके आपके पास, तो बिल्कुल सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने वेंचुरी मीटर के केस में किया था। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें देखो, जो ये पाइप में बहने वाला लिक्विड है वो भर जाएगा, ये जो पाइप में बहने वाला लिक्विड है वो भर जाएगा। अगर मैं बात करूँ पी बी डैश की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी बी डैश की, तो पी बी डैश क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पी बी प्लस, मैं इसमें बहने वाले लिक्विड को रो एल ले ले रहा हूँ, रो एल जी एक्स, ये होगा कि नहीं होगा पी बी डैश, सभी बताओ ये होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसी तरह आप देखो पी ए डैश, देखो क्या होगा, पी ए डैश देखोगे तो ये आएगा पी ए प्लस रो एल जी। अब ये देखो, ये है एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो इसको जेड ए माइनस जेड बी भी लिखा जा सकता है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो एलिवेशन एट पॉइंट ए है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये देखोगे ध्यान से तो जेड ए माइनस जेड बी है कि नहीं है, दो पॉइंट के बीच में एलिवेशन ही तो है, और एलिवेशन को हम जेड से दिखाते थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या होगा, देखना ध्यान से, पी ए डैश होगा पी ए प्लस रो एल जी जेड ए माइनस जेड बी प्लस क्या होगा, आगे बताइए, रो एम जी एक्स। मुझे बताओ ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये कैसे लिख दिया। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली पी बी डैश बराबर, आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर है आवाज़ बिल्कुल, पी ए डैश की। तो अभी जो मैंने पहले पीछे लिखा था वो आपको समझ में आया था कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पी बी डैश पी ए डैश कैसे लिखा, फिर से लिख देता हूँ, देखो क्या था, इस तरह से कुछ था। बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी करना है, इस तरह से कुछ था, यहाँ से यहाँ तक का लेवल था, और ध्यान से देखोगे तो ये एक्स है, ठीक है, और ये है तुम्हारा जेड ए माइनस जेड बी, ध्यान से देखोगे तो ये है जेड ए माइनस जेड बी, क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है इस, यही जेड ए माइनस जेड बी लिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो जब तुमने बराबर रखा पी ए डैश प्लस पी बी डैश, पी ए डैश प्लस पी बी डैश को, ठीक है, जब तुमने बराबर रखा पी ए डैश, तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश क्या है, पी ए प्लस रो एल जी जेड बी माइनस, अरे जेड ए माइनस जेड बी है, जेड ए माइनस जेड बी प्लस रो एम जी एक्स बराबर पी बी प्लस रो एल जी एक्स। ठीक है, देखो चेंज क्या आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा,
मैं चेंज की बात करता हूँ सीधे, आप लोग को देखो मैं अरेंज, आप लोग कर लेना, अरेंज हो जाएगा ऐसा, वैसे ही हो जाएगा, या तो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जरा ध्यान देना, ये पीबी उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, पीए को इधर लाओ, पीए को इधर लाओगे, क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पीए का प्रेशर पीबी से कम है, तो पीए को इधर लाओगे, ठीक है? तो ध्यान देना यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे हो जाएगा, देखना रीअरेंज करता हूँ मैं, ये हो जाएगा पीबी माइनस पीए, ठीक है, अपॉन रो एल जी, ठीक है, ठीक है। माइनस माइनस मैं यहाँ पे देखना क्या आएगा, ये आएगा जेड ए माइनस जेड बी, आपके पास कॉपी अगर है तो आप करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेम बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमने निकाला है, एक्स बराबर एस एम अपॉन एस एल माइनस वन, ये एक्सप्रेशन आएगा आपका। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? बताइए, इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है? डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है, रीअरेंज करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो अब इसका देखिए शॉर्टकट क्या है, देखिए आप समझ गए, अब जरा इसका शॉर्टकट देखिए क्या है। देखिए जब आपका, ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी क्लियर आ रही है वॉइस? ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। तो देखिए जब आपका वेंचुरी मीटर जो था वो था हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जब आपका वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल था तो मुझे पता है एच इज इक्वल टू एक्स, यहाँ सब लोग ये बात जानते हैं, ये होगा, ठीक है, ये होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा वेंचुरी मीटर इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, अगर यही वेंचुरी मीटर थोड़ा इंक्लाइंड हो गया, इस तरह से हो गया कि तुम्हारा दो पॉइंट के बीच में कोई एलिवेशन है, अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या बोलो, जेड बी माइनस जेड ए, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ भी एच जो होगा वो यही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे एच क्या होता था, यहाँ पे एच होता था पी बी, हाँ, प्रेशर हेड का डिफरेंस, पी ए माइनस पी बी बाय रो एल जी, ये होता था कि नहीं एच? इस केस में ये होता था कि नहीं एच? सभी बताओ, इस केस में होता था कि नहीं एच? ठीक है, लेकिन इस केस में याद रखना, इस केस में एच ही बस बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इस केस में जो होगा एच की वैल्यू क्या होगी, याद रखना, ये होगा पी ए बाय रो जी प्लस जेड ए माइनस पी बी बाय रो जी प्लस जेड बी। यहाँ देखोगे अगर ध्यान से तो वही हो भी रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे रीअरेंज करोगे, माइनस को खोलोगे यहाँ से, तो अंदर जो जो होगा वो पी बी, ये जो तुम्हारा जेड बी लिखा हुआ है, ये जेड बी पॉजिटिव में आ जाएगा, और इसके साथ क्या मिलके बना देगा, पी बी बाय रो एल जी प्लस जेड बी माइनस पी ए बाय रो एल जी प्लस जेड ए, देखोगे तो यही आएगा, ठीक है? ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना चाहिए आपको, ठीक है, कहाँ से आया है, कंसेप्ट पता होना चाहिए।
सब कुछ आप समझ लीजिए, ठीक है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी केस हो वेंचुरी मीटर का, इस तरह का हो या इस तरह का हो, जब तुम्हारे पास दो पॉइंट के बीच में कोई ना कोई एलिवेशन मौजूद है, जब इन दो पॉइंट के बीच में तुम्हारे पास कोई ना कोई एलिवेशन है, ठीक है, तो तुम्हारा देखो h बराबर वही रहेगा, x एस एम बाय एस एल माइनस वन। लेकिन h जो होगा ना, h जो होगा, h यहाँ पर होगा, जैसे मान लो ये a है, ये b है, यहाँ पे ये है a है और ये b है, तो h ध्यान देना क्या होगा, एच होगा तुम्हारा पी ए बाय रो जी प्लस जेड ए माइनस पी बी बाय रो जी प्लस जेड बी। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इसको एक तरह से डिराइव भी करके हमने दिखा दिया है। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? सभी बोलो। ठीक है, ठीक है, तो अब लगाइए वो वाला क्वेश्चन जो आपको गिवन था। क्वेश्चन का डेटा लिखा हुआ है कि नहीं आपके पास? अब ध्यान दोगे, उस क्वेश्चन में एक्स निकालना है आपको, ठीक है, एक्स निकालना है, तो सेम बिल्कुल वही करेंगे। और इसको याद रखना बेटा, इसको जो होता है ना, इसको इस ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, इसका एक नाम भी होता है, इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, इसको पीजोमेट्रिक हेड भी कहा जाता है, समझ रहे? इसका नाम भी होता है, इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड। जब आप प्रेशर हेड को उसी के करस्पॉन्डिंग एलिवेशन से जोड़ देते हो तो इसको पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब भाई, पिछले केस में जब आपका वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल था तो ये तो कट ही जा रहा था, तो पीजोमेट्रिक हेड क्या आ जा रहा, मतलब ये हेड का डिफरेंस जो था वो पी ए बाय रो जी माइनस पी बी बाय रो जी ही हो जा रहा था। लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पर हेड है आपके पास, ठीक है, आपके पास यहाँ पर एलिवेशन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जेड ए और जेड बी और ऐड होगा। क्या सभी को बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है तो ये देखिए, यहाँ पर उसी क्वेश्चन पे लौटते हैं और वहाँ पर हम लिखेंगे सेम बिल्कुल पी ए बाय रो जी प्लस जेड ए माइनस पी बी बाय रो जी प्लस जेड बी बराबर, ये एच हो जाएगा भाई, ये एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये हमें पता है कि जेड ए माइनस जेड बी क्या हो जाता है भाई, जेड ए माइनस जेड बी क्या है, दो है कि नहीं है, तो यहाँ पे दो लिख लिया। और पी ए माइनस पी बी बाय रो जी क्या है, ध्यान से देखोगे तो वो होगा माइनस 1.25। माइनस 1.25 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में जो है बी का प्रेशर ए से ज़्यादा है, तभी फ्लो नीचे से ऊपर हो रहा है। अरे इसको खोलोगे तो ये आएगा पी ए माइनस पी बी बाय रो जी, लेकिन अगर पी ए माइनस पी बी बाय रो जी 1.25 है तो ए बड़ा होना चाहिए ना, ए बड़ा नहीं है बी बड़ा है, इसका मतलब आप यहाँ क्या रखोगे, माइनस 1.25। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो यहाँ एच क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है? जब एच 0.75 आ गया तो अब एच की वैल्यू 0.75 हम यहाँ रख लेंगे, 0.75 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स 13.6 अपॉन डेंसिटी कितना गिवन था, वाटर था क्या था, वो लिक्विड की डेंसिटी क्या थी? अरे ये एच बराबर क्या होता है, एक्स रो एम, रो एम ले लो या स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लो, एस एम बाय एस एल माइनस वन ही तो होता है।
लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, जल्दी बताइए। हाँ क्या हो गया? जीरो पॉइंट एट था ना, तो 13.6 अपॉन 0.8 माइनस वन करके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू ही तो पूछा था, एक्स कितना आ जाएगा? एक्स जो मनीष ने निकाला था वो आ जाएगा। कितना आ रहा था? 0.046 ना। पॉइंट 0.046 मीटर आ जाएगा, इसका मतलब 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ कर लोग, ऐसा सवाल आएगा तो सभी से हो जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई जरा से भी दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है तो बता दे, बस तुम लोग करके आना एग्जाम में। अभी दिक्कत है तो वो बता दो, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है। कर लिया है तो ये वाला क्वेश्चन देखो, वो बताओ मुझे। ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले दिया भी था आपको, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मुझे इसे कराना पड़ेगा पूरी तरीके से। पांच मिनट लेके ट्राई करिए आप लोग, और पिछले कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक बार करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे होगा। सभी से आंसर चाहिए हमको, ठीक है? देखो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए एक नोजल है, 25 मिलीमीटर डायमीटर है इसका, ठीक है? इसका डाया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 25 मिलीमीटर, ठीक है? इससे जो है जेट निकला बाहर और ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है? इससे कुछ जेट निकला बाहर और ऊपर की तरफ निकला है इस तरह से। मैंने ये डायमीटर जो है, देखिए डायमीटर आपको गिवन नहीं है, लेकिन डायमीटर मैंने ज़्यादा क्यों बनाई है ऊपर? क्योंकि मुझे पता है कि जेड जब ऊपर, जब वेलोसिटी नीचे की कंपैरिजन में ऊपर की वेलोसिटी कम होगी, जब जेड ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, ये मुझे पता है लॉजिक से, ठीक है? इसीलिए मैंने डायमीटर ज़्यादा बना लिया। अरे A1V1 बराबर A2V2 होता है कि नहीं होता है? मुझे पता है यहाँ की वेलोसिटी जो होगी यहाँ की वेलोसिटी के कंपेयर में ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर जो डाया होगा वो नीचे वाले से ज़्यादा होगा। हालांकि आपको डायमीटर निकालना है, लेकिन तब भी मैंने इसको ज़्यादा बना लिया है, ठीक है?
इसमें किसी को कोई दिक्कत किस बताइए। हाँ ना है ठीक है। तो ये तो आपका आ गया। अब देखिए वेलोसिटी जो है यहाँ पर, जो वेलोसिटी है वो गिवन है आपको, वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड गिवन है, 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपको दिया हुआ है ठीक है। आपको ये 4.5 दिया हुआ है, कितनी हाइट तक ये गया है, ये 4.5 मीटर दिया हुआ है आपको, ये गिवन है कि ये 4.5 मीटर गया हुआ है ऊपर ठीक है, आपको ये गिवन है ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको ये डायमीटर शायद निकालना है, ज्यूमिंग डायमीटर निकालना है। यहाँ पर जो है आपको डायमीटर निकालना है इसका, कि यहाँ पर जेट का डायमीटर क्या होगा, ये आपको निकालना है ठीक है। ये सवाल है आपके पास ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले डायमीटर का अगर रिलेशन आपको डायमीटर वगैरह पूछता है, तो आप सीधे सीधे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उसमें एरिया आता है। मतलब मुझे A1V1 बराबर A2V2 तो लगाना ही लगाना है ठीक है। A1V1 बराबर A2V2 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर A1 मालूम है, V1 मालूम है, ना हमें A2 पता है ना V2 पता है, तो V2 कहाँ से निकले। देखो A2 तो तुमको निकालना ही है, तो V2 का कोई ना कोई डेटा गिवन होगा, तभी तो A2 निकलेगा, बोलो तो V2 कहाँ से निकलेगा। हाँ गुड, वेलोसिटी इक्वेशन से निकलेगा। तो हम सब यहाँ पे जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GS ठीक है। ये जो है फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 12 है। एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, 4.5 मीटर दिया हुआ है, तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं फाइनल, मतलब तुमको V2 मिल जाएगा, और V2 मिल जाएगा तो उससे तुम्हें A2 निकाल ही लोगे, और A2 मिल गया तो D2 निकाल लोगे, तो निकालिए आप सब लोग। मनीष तो बड़ा तेजी से आंसर निकाल रहा है, बड़े फॉर्म में है आज, और लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे भाई, निकालिए फटाफट।
40.21 निकाला है मनीष ने आंसर। बेटा कहीं कोई गलती रह गई, गलती हो गई है तुमसे, जरा चेक करना। शुभम पांडे ने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। मनीष कोई छोटी सी गलत मिस्टेक रह गई होगी, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। भाई बाकियों के आंसर अजय अजय यार, बीरू, नीरज, प्रशांत, शिव कुमार, शिवम कुमार, शिव मंगल, अपने अपने आंसर दीजिए जल्दी। आप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अभी क्लियर है वॉइस? अभी वॉइस क्लियर है आपको? कोई इश्यू नहीं है? अभी क्लियर है कि नहीं? अभी क्लियर है? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ थोड़ी सी। अरे वाह, बीरू ने भी आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। भाई आप लोगों के आंसर चाहिए मुझे। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अब ज़्यादा वेट हम नहीं कर सकते। देखिएगा आप लोग बीच में होंगे। मिला लीजिएगा आप लोग, पहले खुद ट्राई करिएगा फिर मिला लीजिएगा। अच्छा 2 मिनट दे दें, चलिए करिए 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 करिए। विशाल सर की 1 बजे क्लास होती है? विशाल सर की 1 बजे क्लास होती है क्या? सेकेंड ईयर में 1 बजे होती है? 3 बजे होती है शायद, 3 बजे होती है। हो गया भैया? चलिए डिस्कस कर लेते हैं, टाइम जा रहा है। ठीक है देखिए, सिंपली मैं क्वेश्चन तो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 GS, GS हो जाएगा या GH हो जाएगा, जो रखना चाहो रखो। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रीअरेंज करके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GS। ठीक है, तो यू स्क्वायर आपके पास क्या है, 12 स्क्वायर है कि नहीं है भाई? 12 स्क्वायर है, माइनस 2 × 9.81। डिस्टेंस कितनी दी हुई है?
डिस्टेंस देखोगे तो 4.5 है, डिस्टेंस देखोगे तो 4.5 है। तो ये जब सॉल्व करोगे अंडर रूट लेके, ये वी स्क्वायर की यूनिट आई, वी स्क्वायर, वी बराबर आ जाएगा 7.46, ठीक है, 7.46 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो सवाल तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू लगा देंगे तो आपका ए वन क्या हो जाएगा, ए वन देखो पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर मत करने लगना, तुमसे डायमीटर पूछा है, पाई बाय फोर एल एच एस आर एच एस में कैंसिल हो जाएगा। जरा देखो ना, यहाँ पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर इंटू वी वन बराबर पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर इंटू वी टू होगा कि नहीं होगा, ये पाई बाय फोर कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा आगे का सोचिएगा तो टाइम सेव हो जाएगा एग्ज़ाम में और फालतू की कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगी। तो सीधे डायमीटर का रेशियो ले लीजिए, ठीक है, सीधे डायमीटर के टर्म्स में लिखिए, क्योंकि पाई बाय फोर तो कैंसिल ही होना है। जी सर, क्लास बस ख़त्म हो रही, 5 मिनट में आ रहे हैं। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कई लोगों का आंसर आ चुका है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका है, और सारे लोग जिनका आंसर नहीं आया वो बीच में कहीं ना कहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देखिए कैसे होगा ये प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, आपको डायमीटर मिलीमीटर में दिया है, क्योंकि रेशियो ले रहे हो तो आपको जब भी रेशियो लेते हो तो यूनिट सेटल करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर से मिलीमीटर, इसमें टाइम मत बदलिए, क्योंकि ऊपर नीचे तो कट ही जाता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप लिखो कि डी वन स्क्वायर इंटू वी वन बराबर डी टू स्क्वायर इंटू वी टू, तो ये तो डी टू नीचे आएगा तो आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब इस केस में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डी टू को मिलीमीटर में बदलो। ये सब चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव हो सके, पेपर लंबा होता है, लेंदी होता है, ठीक है, बाकी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अब किसी को आधा ही पेपर आता हो तो वो आराम से कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, जिसको पूरा पेपर आता हो उसके लिए है ये। अब देखिए, आपको क्या निकालना है, डी टू निकालना है, तो डी टू बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी वन बाई वी टू, वी वन देखोगे तो 12 है, वी टू निकाल लिया है हमने 7.46 इंटू, अब ये डी वन स्क्वायर है तो डी वन हमको गिवन है, कितना है, 25 मिलीमीटर है कि नहीं, तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ आपको सीधे ये डी टू जो भी मिलेगा ये मिलीमीटर में ही मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ जो 25 रखा है वो मिलीमीटर में रखा है। किसी का मन है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए वो मीटर में भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मीटर में रखोगे तो तुमको डी टू जो होगा वो मीटर में मिलेगा, बस ये डिफरेंस है। अगर कोई मीटर में रखना चाहता है तो इसको 0.025 रख सकता है, लिख सकता है 0.025 स्क्वायर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखना, आपका आंसर आएगा 0.0317 मीटर, कईयों ने निकाल लिया ये आंसर, ठीक है, ये आएगा आपका, या इसको लिख सकते हैं 31.7 मिलीमीटर। क्या सबको समझ में आया,
हाँ गुड, शिव कुमार ने भी निकाल लिया, गुड। तो आज का अभी का लेक्चर यही एंड करते हैं, और आपकी